हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि अपना जो एसुस का गेमिंग लैपटॉप है या किसी भी लैपटॉप में आप रैम का अपग्रेडेशन कैसे करोगे बिना कोई सर्विस सेंटर जाए हुए, और ये आपका जो वारंटी है वो वॉइड भी नहीं होगा। तो पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि ये एग्जिस्टिंग लैपटॉप में कितना रैम है। इसमें 8GB रैम है और ये मैं रिसेंटली खरीदा था। इसका जो अनबॉक्सिंग और फास्ट इंप्रेशन है मैं आई बटन में दे दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। अभी ये बूट अप होने के बाद उसका जो विंडोज़ है, जो मेन स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, उसमें आ चुका है। अभी इसका रैम कितना है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए 8GB रैम है इसमें और इसको हम लोग अभी 16GB में अपग्रेड करेंगे। ये जो रैम है ये क्रूशियल की तरफ से आता है, क्रूशियल कंपनी का रैम है और DDR4 है 3200 MHz रिटर्न है, लेकिन ये 2933 और 2666 हर्ज़ को भी सपोर्ट करता है। और ये देखो ये तो सितंबर 2022 का इंपोर्ट डेट है और 1700 इसका प्रिंटिंग प्राइस है। इसका बैक कवर को निकालने के लिए आपको एक लैपटॉप स्क्रू ड्राइवर चाहिए जिसका पिन बहुत पतला होता है, उसको यूज करके हम लोग इसके सारे स्क्रू निकाल देंगे। निकालने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। ये जो प्लेट है इसको निकालने के लिए आपको एक कोई भी क्रेडिट कार्ड या कुछ एक प्लास्टिक का टुकड़ा चाहिए, जिससे आप ये जो फ्रंट और जो बैक कवर है इसके अंदर लेके इसके जो हुक है उसको लूज कर सकते हो। लूज करने के बाद ये धीरे धीरे सारे ओपन हो जाएंगे। ये जो एरिया है यहाँ पे अपना एडिशनल जो रैम है वो लगेगा। ये जो प्लास्टिक है इसको मत निकालो क्योंकि इसके नीचे अपना जो एग्जिस्टिंग 8GB का रैम है वो है। अगर इसको निकाल दोगे तो इसका वारंटी में भी वॉइड हो सकता है, तो इसको मत निकालो आप लोग। अभी हमारा जो एडिशनल रैम है उसमें देखो एक हुक है, ये हुक अपना जो रैम जहाँ पे लगेगा वो हुक में कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने का तो एक टक करके एक साउंड आएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। अगर कनेक्ट नहीं होगा तो आप जब लैपटॉप ऑन करोगे तो उसको एक ब्लैक स्क्रीन ही रहेगा, लैपटॉप ऑन नहीं होगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो वैसा होगा, देखिए ये जो मैं दिखा देता हूँ और एक बार, अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे इसका जो हुक है, हुक से लेफ्ट साइड कम एरिया है, राइट साइड को ज़्यादा एरिया है। सेम चीज़ जहाँ पे रैम लगेगा वहाँ पे भी सेम डायमेंशन है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे लगेगा ये रैम। अभी मैं इसको लगा के आप लोग को दिखाता हूँ। अभी हमारा जो एडिशनल रैम है उसको मैं लगा चुका हूँ। अभी इसको बूट अप करते हैं और देखते हैं कि अपना सिस्टम उसको रीड कर पा रहा है या नहीं। अभी जब बूट अप हो रहा है ज़्यादा टाइम ले रहा है, मे बी ये इसको रीड किया या नहीं किया, वो अभी मैं आप लोग को आगे बताता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। ये देखो इतना टाइम ले रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं लेता है, एक सेकेंड एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये अंदर चला जाता है, मतलब होम स्क्रीन में आ जाता है, होम स्क्रीन में आ गया। देखिए अभी हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये जो एडिशनल 8GB रैम लगाए हम लोग उसको रीड कर पा रहा है या नहीं। ये देखिए अभी यहाँ पे 16GB दिखा रहा है, जिससे 15.8GB यूजेबल है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ इसको और एक बार रीबूट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम लिया, मे बी ये फर्स्ट टाइम लेता है। तो हम लोग चेक करते हैं, एक बार रीबूट करता हूँ फिर और एक बार आपको दिखाता हूँ कि कितना टाइम लेता है ये बूटअप होने में। अभी मैं इसको पावर अप कर चुका हूँ, अभी इसको देखते हैं कितना टाइम लेता है ये बूटअप होने में। अभी यहाँ पे क्रेडेंशियल देते हैं फिर देखते हैं। अभी क्रेडेंशियल देने के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये अंदर चला जाएगा। देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये अंदर चला गया, तो मे बी फर्स्ट टाइम वो कॉन्फ़िगर होने में या उसको सिंकअप होने में कुछ टाइम ले रहा था। तो यहाँ पे वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।